तालियों के साथ बिहान देखा खटा देखी सा। तुम दुमका कभी घूमने गई हो क्या? कभी मौका तो नहीं मिला है। दुमका बहुत अच्छी जगह है, क्या कोई लेके जाना चाहता है दुमका घुमाने के लिए? बहुत कोई है। दुमका झारखंड की उपराजधानी है, जिसका मतलब होता है पहाड़ का आंचल। तो उन्हीं पहाड़ के आंचल में पले बड़े यूथ को हम स्टेज में आमंत्रित करते हैं अपने संथाली डांस के लिए। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। मैं घुरी आवे ना, प्यार करा प्यार करा, प्यार से दिल भरे ना, मस्ती में डूब जावा गोरिया, हाथ के जोरावा भैया, हाथ के जोरावा भैया, अलग दिखा खुशी कर बिना रे, जिंदगी बेकार प्यार बिना रे, जोरदार तालियों के साथ दुमका वालों का स्वागत करिए। वो बहुत ही दूर से आए हैं पहाड़ों के आंचल से, जैसा कि मैंने आपसे बताया। उसके बाद हजारीबाग डायसिस तैयार रहेंगे स्टेज के दाहिने तरफ आकर के। जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साह बढ़ाइए हमारे दुमका डायसिस। दुमका डायसिस कूड़ा कुड़ले छील बिलवे। समताले राजधानी तो नई दिल्ली, परदेश तले राजधानी रांची, तल पर गाना जन्म तले सीजन ताले दो जान, डायसिस ताले दो तुम कागी
हाट तले हो रो बांदी तुंदा टमाक तले रू रुआ जी पण हाट तले हो रो बांदी तुंदा टमाक तले रू रुआ ताली बजाइए सोगोई की सोगोई सोगोई का आनंद लीजिए इसे संताली में सोगोई बोलेंगे और एने जोरदार तालियां भी बजाते रहे तभी जाके इनका उत्साह और अच्छा से ये लोग परफॉर्म करेंगे हमारे लिए और खुलकर हमें हमारी संस्कृति के बारे में बता सकते हैं। भारत बरसो ती समताले राजधानी नई दिल्ली भारत बरसो ती समताले राजधानी नई दिल्ली झारखंड प्रदेश राजधानी रांची का नाओ झारखंड प्रदेश राजधानी रांची का नाओ संताल पर नदी समताले संताले जान का संताल पर नदी ताले जान करना ऐसी ताले तो यहाँ तुम गाना हो ताले तो कम दे गुरकर कम लेकुम दे बनुकु बनुकु पंची पण हट हो रो बांदी तुंदा टामक रूरुआ पंची पण हट हो रो बांदी तुंदा टामक रूरुआ त्रिया साडी तो बुइया ञोणे ञोण पले तो बुइया डबो जुहार की साडी तो बुइया ञोणे ञोण उपरुम ताले तो बुइया डबो जुहार की भारत बरसो ती समताले राजधानी नई दिल्ली भारत बरसो ती समताले राजधानी नई दिल्ली झारखंड प्रदेश राजधानी रांची का नाओ झारखंड प्रदेश राजधानी रांची का नाओ संताल पर नदी समताले रीजन ताले जान काना संताल पर नदी समताले रीजन ताले जान काना दैसिस ताले तो बुइया दुना हो दैसिस ताले तो बुइया दुमका काना हो सरीगी ओ सरीगी दैसिस ताले तो बुइया दुमका काना हो दर्शकों का उत्साह लगता खत्म हो गया है। प्रोग्राम शुरू होने से पहले तो बहुत ही जबरदस्त ताली बजाया जा रहा था, एक बार जोरदार तालियों के साथ इनका उत्साह बढ़ाया। भारत बरसो दो दी समताले राजधानी तो नई दिल्ली भारत बरसो दो
नाची संतल पर गाना संतल जनता ले दो जान जनता ले दो धूम का गीत संतल पर गाना संतल जनता ले दो जान जनता ले दो धूम का गीत पंची पण हाथ तले हो रो बांदी तू दाता माक तले रूरुआ। हमारे सभी दर्शक अपने अपने मोबाइल में व्यस्त हो गए लगते हैं। मोबाइल को रख करके थोड़ा ताली बजा दीजिए तब ये और उत्साह के साथ हमारे लिए डांस का प्रदर्शन करेंगे। आप लोग सीटी भी बजा सकते हैं अगर चाहे तो। मजगी साड़ी डोबो जो हार तले उपरुमा त्रिय न्योहण न्योहण मजगी साड़ी डोबो जो हार तले सरी की ना दैना अब वह कथा जैना त्रिय न्योहण न्योहण मजगी साड़ी तो बजुहार तले उपुरुमा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दुमका डायसिस को इतने अच्छे संथाली नृत्य के लिए इतना धुआंधार परफॉर्मेंस था। आप लोगों को कैसा लगा ये परफॉर्मेंस? ठीक है एलिशा तुम्हें कैसा लगा हमारा दुमका ट्रिप? मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनका हर एक स्टेप वहां में मैं भी डांस कर रही थी। अच्छा तुमने तो मुझे दुमका घुमा दिया अब मेरी बारी तो चलो मैं तुम्हें घुमाने ले चलती हूँ हजारीबाग जो कि यहाँ से 200 किलोमीटर दूर है। ना बाबा ना इतनी दूर मुझसे नहीं चला जाएगा। चलो अच्छा है मेरा पैसा बच गया। एक काम करते हैं तुम हजारीबाग वालों को ही बुला लो। हाँ ये तुमने सही कहा। तो एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं हमारे नागपुरी डांस के लिए हजारीबाग डायसिस के यूथ के लिए। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और जोहार तो रौरे सौ मन के जोहार हमरे हजारीबाग डायसिस आई तोरे लगे एक नागपुरी डांस प्रस्तुत करे जाती उगर से पहले हजारीबाग ब्रह्म प्रांत के छोटा सा इंट्रोडक्शन। हजारीबाग ब्रह्म प्रांत हजारीबाग ब्रह्म प्रांत हजारीबाग ब्रह्म प्रांत में चार भिखारी 28 पारिस आए और विशेष कर इकर खासियत में बताए दे अक्टूबर के महीना में लास्ट शनिवार और रविवार के हमरे ढोरी माता जरंडी हमरे डायसिस के समर्पित संरक्षिका के आदर में बहुत बड़ा उत्सव मनाएंगे और हजारीबाग डायसिस के अंदर हो मुंडा संथाल उरांव सब प्रकार की संस्कृति बसला है। तो रावरे लगी प्रस्तुत है नागपुरी डांस। इसके बाद हमारे जमशेदपुर डायसिस के यूथ रेडी रहेंगे अपने हो डांस के लिए। ध्यान देंगे हजारीबाग डायसिस आपको सिर्फ 7 मिनट में
डांस करना है। जोरदार तालियां, उनका चेहरा करें चिल्लाते हुए। बिल्कुल 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 इसी तरह तालियों के साथ। गाना गाते हुए
कितना मजा आ रहा है हमारे सामने बैठे यूथ को। हरा भरा झारखंड है ये करसान, बिहान बिहान देखा खटाते किसान। झारखंड है करसान, बिहान बिहान देखा खटाते किसान। हमारे झारखंड, हमारे देश के झारखंड कितना महान रे, हमारे देश के झारखंड कितना महान। चरे झूमर खेले डिंडा छोड़ा गुलर गोड़ा, मुड़े ऊपर पानी बोहल दादा के कंधे बहिंग बोझा। चरे झूमर खेले डिंडा छोड़ा गुलर गोड़ा, मुड़े ऊपर पानी बोहल दादा के कंधे बहिंग बोझा। हे हमर झारखंड, हमारे देश के झारखंड कितना महान रे, हमारे देश के झारखंड कितना महान। और साथ ही साथ हमारे पीछे जो यूथ नाच रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे यहाँ पे
ICYMS सर और उनकी टीम भी बहुत अच्छा डांस की, बहुत बहुत धन्यवाद। इतने अच्छे नृत्य के साथ हजारीबाग डायसिस वालों ने हमें जुमाया है, हमें रिझाया है। आप लोग जमशेदपुर कभी घूमने गए हैं क्या? नहीं? अच्छा, तो एडविन दुमका घूम लिए, हजारीबाग वालों को भी बुला लिया, तो अब हम सभी यूथ को ले चलते हैं अपने जमशेदपुर। तो चलिए जमशेदपुर चलते हैं और वहाँ हो डांस का आनंद लेते हैं। जोरदार तालियों से जमशेदपुर के प्रतिभागी का स्वागत करें। सोबेन को जय यीशु। अले जमशेदपुर डायसिस पे हुजुर के नले ओंडो ना अले अपे सब नगर रे हो कल्चर डांस ले उतुबिया ले नहीं, एक्चुअली हम लोग का हो भाषा ही वैसी है क्योंकि समझ में नहीं आती है लेकिन दिल में लग जाती है। तो आप लोगों के साथ आप लोगों के सामने हो कल्चर डांस जो अभी आप लोगों के सामने प्रस्तुत होने वाली है, तो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कौन सा स्टेप है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, ताकि आप लोग खुद समझ सके, आप लोग समझ सके। थैंक यू। झारखंड का होलैंड, झारखंड का वह क्षेत्र जो हो जनजाति बहुल क्षेत्र है, जो मुख्यतः सिंहभूम कोल्हान क्षेत्र में पाया जाता है, अपनी सभ्य और संस्कृति को समेटे हुए, एक अनूठी विभिन्नता को समेटे हुए हो लोक नृत्य। ऐसा नृत्य जहां दुरंग की ताल और पैरों की तिरकन उनकी एक वर्ष की पूरी जीवन चक्र गाता। अभी आप देख रहे हैं जो दमादुमंग की तिरकन से, ये जो आप देख रहे हैं धान को पहले अपने कमर में जो टोकरी में भरी रहती है उसको अपने कमर में लिए और उन्हें अपने खेत में अच्छी तरह से उनका छिड़काई कर रहे हैं। हो लोक नृत्य की खासियत यही है कि इसमें दुमंग की ताल और पैरों की तिरकन से ही हम अपनी बातों को कह डालते हैं। और खेती में बुनाई के बाद आप देखते ही समझ जा रहे हैं इसमें क्या किया जा रहा है। फसल थोड़ी बढ़ गई है, अब उसे रोपने के लिए सभी तैयार है और उसी खेतों में रोपाई की जा रही है, जिसे हो में कहते हैं बाबा रोवा, बाबा अर्थात धान। कितने सुंदर ही तरीके से रोपाई हो रही है, तालियां। खेत थोड़ा बड़ी होने के कारण अभी तक बुनाई की प्रक्रिया चल ही रही है और रोपण हो ही रही है। धान पक चुकी है, अब उसकी कटाई हो रही है। कटाई के बाद उसको धोकर कहाँ डालते हैं? खलियान लेकर उसे अगले स्टेप के लिए उसे तैयार किया गया। खलिहान जो दान को रखने का एक निश्चित जगह होती है और दान को वो अच्छी तरह से अपने सिर में उठाकर वे निश्चित जगह पे यानी खलिहान पे रख रही है। आदिवासी एक ऐसी जाति होती है जिसके हर एक काम में ही क्या होते हैं, ताल होते हैं और कमर में ठुमक होती है।
ये अब आप देख रहे हैं, धान को एक निश्चित जगह पर रखने के बाद उन्हें फसल को धान फसल और धान उन्हें अलग किया जा रहा है। धान की सफाई जिसे हम लोग किसके माध्यम से करते हैं, सूप के माध्यम से हवा के द्वारा उसे साफ किया जा रहा है। धान को साफ करने के बाद भूसी एक तरफ रख दी जाती है और धान को एक बोरे या किसी भी माध्यम से उन्हें अलग रख दिया जाता है। धान को साफ करने के बाद अब उसकी कुटाई हो रही है, जिससे धान से हमें चावल की प्राप्ति हो। इस माध्यम से बताया जा रहा है कि धान अलग होने के बाद उन्हें चावल का रूप दिया जाता है और चावल का रूप प्रदान होने के बाद हम इस चावल को स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं। गेस कीजिए क्या है, क्या है? झारखंड का सबसे प्रमुख पेय हड़िया, जिसे यह हमारी संस्कृति की पहचान है। इसका सेवन हम तब करते हैं जब कोई मेहमान घर में आते हैं। पूजा के समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण, इसका प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। जब लू लगती है तब इसे पिया जाता है। और इसे ठंडे या ठंड होती है या तो फिर यह एक नॉर्मल पेय पदार्थ होती है जो गर्मी के सीजन में इसे चाव से पिया जा सकता है। लेकिन याद रखें दोस्तों, उचित मात्रा में, निश्चित मात्रा में, हद से ज्यादा हानिकारक। और इसे हड़िया को जो हो कल्चर में हम लोग बोलते हैं डियंग। आप ध्यान से देखिए अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब सारे काम को खत्म करने के बाद अब रगड़ रगड़ करके नहाया जा रहा है। आओ, नहाने के बाद बालों को कंघी की जा रही है, यानी कि अपने चेहरे को आईने में देखकर अपना चेहरा सवार रही है। और ये गया हाथों में साबुन, ये रगड़ा, ये रगड़ा और पानी डाला। और अपने हाथों पे आईना लिए अपने बालों को सवार रही हुए। चेयर कीजिए, अच्छा से नहाएंगे तब। आवाज नहीं आ रही है, पानी नहीं डल रहा है। बारिश पहले हो गई है इसलिए अभी थोड़ा सा पानी की कमी हो गई है। हम आदिवासी शुरू से ही प्रकृति के साथ रहने वाले होते हैं और हमारी सज्जा भी प्रकृति के साथ ही संपन्न होती है। ये अंत में जो हो रहा है वो हो रहा है पुष्प से अपने आप की सज्जा। सबसे पहले कानों में बालियों के रूप में, तत्पश्चात उसी फूल को हम लोग अपने बालों में लगाकर अपनी सजावट को पूर्ण करते हैं। यह है कोल्हान क्षेत्र का हो लोक नृत्य। ऐसा नृत्य जिसे मैंने शुरू में ही कहा था, जिसमें गीत नहीं पर दुमंग की ताल और पैरों की थिरकन से ही हम अपनी बातों को कह डालते हैं।
अब सारा प्रोसेस करने के बाद इसे दुन तो कैसे लगा? ये है हो संस्कृति, हो कल्चर जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया, शायद आप समझ गए होंगे अब तक। तो जमशेदपुर डायसिस की ओर से जो प्रेजेंट जो भी आप लोगों के सामने दर्शाया गया, शायद आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और इतना ही कहकर मैं अपना वक्तव्य को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे जमशेदपुर डायसिस के यूथ को। इतनी अच्छी तरह से हमारे आदिवासी जनजाति में प्रतिदिन होने वाले कार्यों को डांस के रूप में दिखाने के लिए अपने जमशेदपुर के यूथ को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पार्टनर कहाँ है? एडविन, एडविन, किन्हीं के लिए? तनिक रिलैक्स करे जा रहो, दारू मावा तो नहीं पी जा रही? हाँ तनिक उन पी ले हो, एक गिलास हणिया सबसे बढ़िया। ये दारू मावा और दूसरा नशा ठीक न खे, नशा से दूर रह दे, काम बंदा कर दे, मेहनत कर दे, तभी नहीं कोई सुंदर छोरी बेटा है जेकर से ब्याह कर दे। ठीक बात कह ले तो है, मुझे अपन कान धरा तो एखन से मैं एकदम नशा ना करबू। मैं तो चेत गया, मेरे भाइयों आपसे गुजारिश है कि आप ही नशे के चंगल से दूर रहे। बाइबल में भी लिखा है तीतुस के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 वचन 6 से 7, नव युवकों को समझाओ कि वे सब बातों में संयम से रहे और तुम उन्हें स्वयं उन्हें अच्छा उदाहरण दो, या प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। अच्छा एलिसा, मैं सोच रहा था कि झारखंड की राजधानी क्या है। इतना भी नहीं मालूम तुम्हें? रांची है, रांची। अरे हाँ रांची है, रांची तो जलप्रपातों का शहर है। अगर आप लोग कभी घूमने जाइएगा ना तो सेफ से रहिएगा। तो अब हम रांची से बुलाते हैं हमारे युवकों को और उनको स्टेज सौंपते हैं। जोरदार तालियों से हमारे रांची आज डायसिस के स्वागत करते हैं। सबों को जोहार। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, झारखंड का दिल राजधानी रांची, और हम रांची वासी आए और हम आए हैं आप सबों को अपना प्यार बांटने। आशा करते हैं आप लोगों को प्यार हो जाए। धन्यवाद। ध्यान देंगे, इसके बाद सिमडेगा डायसिस आएंगे अपने खरिया डांस के लिए। Because
खिलाड़ियों से आग्रह है कि वे जल्द से जल्द स्टेज पर आने की कोशिश करें, विशेषकर जो रैंप वॉक में भाग लेने वाले हैं, स्टेज के दाएं बाईं ओर आ जाएं। सभी प्रतिभागियों से आग्रह है, विशेषकर जो बाहर फोटो खिंचा रहे हैं, समय हो चुका है, जल्द से जल्द अंदर आने की कष्ट करेंगे। दीवाना हुआ परवाना हुआ तेरे प्यार में, मैं तो पागल सा पागल सा चाहूं मैं और क्या, अब एक ही दिन सवार यीशुआ। नचूंगा गाऊंगा पगड़ों के समान, होश में ना रहूंगा मेरा जाने संसार में, तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना इस संसार में। ओ ढोला रे, ओ ढोला रे, ओ ढोला रे, ओ ढोला रे, तेरा जीवन क्या होगा रे यीशु बिना इस संसार में।
अरे तेरा जीवन क्या होगा रे इस बिना इस संसार में। धन्यवाद हमारे रांची के युवक युवतियों को, उन्होंने बहुत अच्छा डांस किया। अब हमारा प्रोग्राम जो है खत्म होने वाला है। दादा सुननी का हो रहा है? मुरुख परेशान हो दादा, का हो रहा है? का बताबो अब तो के की कनी बात
सीमडे का मेला जा रहा हूँ। हाँ मुर्गुया हेरा के लगता था, कोई के परेशान हो जाए तो दादा खोजो न मैं गुया गुया रे हाय दया, खोजो न मैं गुया गुया रे हाय दया रे, सीम देगा मेला में गुया हेरा का जन गुया हो कहा भेरा रे, मिलेगा तो जरूर बताइएगा। मैं सिमडेगा के लोगों को जानती हूँ, सिमडेगा के गुया लोग स्टेज में आए जिससे हमारे दोस्त अपनी गुया को खोज सके, तो जोरदार तालियों से सिमडेगा डांसर्स का स्वागत करते हैं उनके करियर डांस के लिए। उते डको कौन सो बुड़ हकोन जीवा कीते और असो कालो महाकालो कीते जोहार गाम तेले एले बिरुया खड़िया लेबु की महुआ ताड़िया उठड़ते देवगन अंबरते तमा रीज कराएले लाखते एला पाड़ू खड़िया राजा आई उकर खड़िया समाज या सबसे महालेबु है के एल एसएमडी का डायसिस विस्तृत क्षेत्र आई 40 बारिश हमारा एसएमडी का धर्म प्राण 40 बारिशों के साथ सात विखारिये और 55% ख्रिस्तीय विश्वासों के साथ आच्छादित है और हमारा सिमडेगा धर्म प्रांत में 75% हम आदिवासी निवास करते हैं और हमारे खड़िया समाज में विशेष रूप से वहां दूध खड़िया आते हैं वे लोग वहां निवास करते हैं, जो डेल्टी खड़िया वो लोग पश्चिम सिंहभूम में निवास करते हैं जिसको हम पहाड़िया खड़िया के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम जाएंगे हमारे झारखंड में तो हमारे सिमडेगा में एक दो क्षेत्र में ही दूध खड़िया आते हैं वो निवास करते हैं। तो आइए हम हमारे सिमडेगा धर्म प्रांत से यह खड़िया नाच आप इसका मजा लीजिए।
एक सूचना है, सिमडेगा सिस्टर्स का छाता पीछे दो छाता कहीं गुम हो गया है, अगर गलती से किसी के पास भी चल गया है तो वो लौटा देंगे। ए चुपचा काने के लरे तोर गुया बेटा लग ना बेटा लग तो जा ओकर साथे जा रे। बहुत बहुत धन्यवाद सिमडेगा डायसिस के यूज को जिन्होंने इतना अच्छा डांस का प्रदर्शन किया हमारे लिए। हम लोग एक सेल्फी ले लेते हैं सब कोई, ठीक है? तो सर चीयर अप करेंगे हम लोग एक साथ सब कोई? नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सभी यूथ को। अब गुड नाइट प्रेयर के लिए हम गुमला डायसिस को आमंत्रित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो हेलो, एक अनाउंसमेंट है, किसी का मोबाइल खो गया है मेरे पास है और किसी का पर्स भी गुम हो गया था मेरे पास है और इसी के साथ दो और मोबाइल खो गया है। एक है एनी कुल्लू से तेरेसा हॉस्टल में से उसके लिए जगह था तो वहां खो गया है। प्लीज हेलो हेलो प्लीज आप लोग इधर ना जाए, धन्यवाद ईश्वर को। आप लोग रुक जाएंगे रुक जाएंगे रुक जाएंगे सभी जो भी यूथ जा रहे हैं प्लीज आप रुक जाएंगे दो मिनट के लिए। प्लीज अभी इतने देरी तक आप थे, अंत में ईश्वर को धन्यवाद देना हमारा फर्ज है ना। जो कुछ भी आपको मिला है हमको मिला है ईश्वर को धन्यवाद देंगे, इसलिए आप 5 मिनट के लिए रुक जाएंगे। तो एनी कुल्लू का मोबाइल खो गया अगर किसी के पास हो तो आप लौटा देंगे, उसको पुरस्कृत किया जाएगा। दूसरा है सिस्टर पुष्पा, सिस्टर पुष्पा का भी एक मोबाइल खो गया है अगर किसी के पास है तो प्लीज लौटा देंगे। आइए आइए। अच्छा, ये छाता भी मिल गया है ना, किसका है? आपका है। आ जाइए आ जाइए, क्या पहचान है, पहचान क्या है आपका है? थैंक यू। रूपा रानी की नहीं है ना? थैंक यू, दीजिए बाद में मुलाकात करेंगे। ओके, चलिए हम अपना हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ लीजिए सभी को, हाथ जोड़िए और ईश्वर पर अपना ध्यान आकर्षित करेंगे, केंद्रित करेंगे और हम धन्यवाद देंगे शुरू से लेकर अब तक जब हम यहाँ आए 2 तारीख से लेकर अब तक। क्रूस का चिन्ह पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आपने सुबह से लेकर शाम तक आप हमारे साथ थे, आपने हमारे लिए अच्छे नाश्तों का प्रबंध किया, अच्छे लंच का प्रबंध किया, आपने साथ ही अच्छे डिनर के लिए भी आपने प्रबंध किया। पिता हम आपको हर एक बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, जिस तरह आज का वचन था पिता परमेश्वर, हम उन वचनों के लिए भी धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हम एक एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। साथ ही हम इस प्रोग्राम के अंतिम छोर में आ रहे हैं पिता, हम कल अपने अपने घर की ओर चले जाएंगे। पिता हम आपको धन्यवाद देते हैं उन हर एक चीज़ों के लिए। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल पर से बचा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो जैसे वाद में थे सदा रहेंगे, आमीन। धन्यवाद प्रभु तुमको कृपावा,
प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों के जीवन में कामों में और भविष्य में उतरे और सदा बना रहे, आमीन। सबों को जय यीशु। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू।